शीतला कॉलोनी में रहने वाले अब्दुल मन्नान के घर में सन्नाटे का साया है। अब्दुल मन्नान की पत्नी कुसुमलता की आंखें नम है। अब्दुल मन्नान के चेहरे पर बेबसी है। इस परिवार के हमदर्द दर्द बांटने में लगे हैं। बस इस दुख की घड़ी में किसी के चेहरे पर खुशी है तो वो है ये नादान बच्चे, क्योंकि ये अभी नादान है। लेकिन इस घर में जो समझदार है उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि वे अपनी लाडली को कहां से वापस लेकर आए, कौन सा दरवाजा खटखटाए, किस दहलीज पर गिड़गिड़ाए, किस फाटक पर फरियाद सुनाए ताकि इनकी लाडली मिल सके। क्योंकि यहां खट्टर की खाकी आराम फरमाती है, फरियादी को दुत्कार कर भगाती है, एक मजबूर बाप को पागल बुलाती है। गुड़गांव पुलिस का फिर सामने आया शर्मनाक चेहरा, एक मजबूर बाप की नहीं सुनी गई फरियाद। 19 दिन से लापता है 10वीं की छात्रा। 18 मई की शाम से गायब छात्रा के पिता का आरोप, पुलिस वाले नहीं कर रहे मदद। जांच के नाम पर पुलिस कर रही है गुमराह। 7वें दिन बड़ी मुश्किल के बाद दर्ज की गई FIR। थाने में घुसने से रोकने और बदसलूकी करने का भी आरोप। 8 तारीख को गायब हुई, मैं 9 तारीख को थाना में गए सवेरे। वो धमका के भगा देते हैं, कितना गांव वाले को हम ले के गए, तब जाके 14 तारीख को रिपोर्ट किए। फिर ना माने तो ये परसों आगे के एड्रेस में लड़की को पता लगी नंबर, ये जाके बरेली से हमारे को बोले कि ऐसी जगह के है, वहाँ से घुमा फिरा के हमको 12:30 बजे रात को ले आए, पहले नहीं मिली। और कल गए थाना में, फिर भी कल भी भगा दिए, यहाँ कोई अति नहीं है, जाए यहाँ से, भग जा तू यहाँ से। अब पुलिस वाले कोई हमारे को थाना में अंदर घुसना मना कर देते हैं, जो तू यहाँ मत आना, घुसो मत अंदर, बाहर रुको। ये उसी पुलिस का सच है जिसके दम पर हरियाणा के CM सूबे में सुशासन का दावा करते हैं। एक मजबूर बाप जो अपनी बेटी के लापता हो जाने से वैसे ही परेशान है, लेकिन खट्टर की खाकी उसकी मदद करने की बजाय उसे पागल कहती है, धक्के मार कर भगा देती है। आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्यों मजबूर गरीब बाप की फरियाद नहीं सुनी जाती। क्या पुलिस सिर्फ पैसे वालों की है? क्यों खाकी के हीरो बन जाते हैं खलनायक? गरीब आदमी अपनी परेशानी लेकर कहां जाए? खाकी क्यों होती है दागदार? कैसे सुधरेंगे लापरवाह और बेफिक्र पुलिस वाले साहब? खट्टर की खाकी और कितनी दागदार होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो स्पेशल एट 11 में हमने सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। जरा सोच कर देखिए, अगर आपके बच्चे घर से कुछ ही देर के लिए लेट हो जाए, कहीं आप हों और बच्चे घर पे ना पहुंच पाए, तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी? लेकिन इन अभिभावकों ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनकी बेटी पिछले 19 दिन से लापता है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों गरीब परिवार की सुध नहीं ली जाती, क्यों एक गरीब पिता दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है लेकिन उसकी मासूम बेटी के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, अक्सर पुलिस के कार्यप्रणाली पर ऐसे ही सवाल उठते हैं कि वो हर केस को बड़ी ही लाइटली, बड़ी ही इजीली ले लेती है कि आप चले जाइए घर पर, बच्चा मिल जाएगा, आप चले जाइए, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए जनाब,
उन माता पिता पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आपका बच्चा अगर कुछ ही देर आपकी आंखों से ओझल हो जाए, कुछ ही पलों के लिए वो आपकी आंखों से दूर हो जाए, या उसको कहीं जाने में, कहीं से आने में देर हो जाए, तो आप पर क्या गुजरती होगी। आप उससे 10 बार पूछते होंगे कि आप कहाँ हो, लेकिन जब किसी पिता की बेटी पिछले 19 दिन से ना मिले तो वाकई में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। संवाददाता से पहले तमाम अपडेट लेते हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ गुड़गांव से संवाददाता। नीरज, हमने पूरा केस सुना पिछले 19 दिनों से कैसे ये लड़की लापता है, लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि पुलिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक तो FIR इतनी देर से दर्ज की गई, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी गंभीर मामला है और साइबर सिटी और तमाम भारत वर्ष में जो है ये गुमशुदा और अपहरण किए गए बच्चों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह के गिरोह हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम ने काफी जो है ऐसे मामलों को दिखाया है अपने न्यूज चैनल के ऊपर, इस तरह के जितने भी मामले होते हैं ऐसे गिरोह जो है ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी की पुलिस सुनती नहीं है। यानी काफी गरीब तबके के लोग होते हैं जो कि जिनकी पहुंच जो है ना तो पुलिस चौकी तक होती है और ना ही पुलिस थानों तक और ना ही पुलिस कमिश्नर तक। तो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं और कामयाब भी रहते हैं, क्योंकि ऐसे इस मामले के अंदर भी साफ तौर से देखा गया है कि किस तरह से बदतमीजी की गई इस परिवार के साथ, जिसकी की बेटी जो है पिछले 8 मई से लापता है, लेकिन अभी तक जो है अगर ये पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले किस तरह से इनसे बदतमीजी करते हैं। हालांकि काफी गंभीर मामला है और गुड़गांव पुलिस ने, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव पुलिस ऐसे मामलों पर काम नहीं करती है, अलग सेल बना रखा है, मिसिंग सेल बना रखा है गुड़गांव पुलिस ने इसको लेकर। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। एक महीने की अगर हम बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें तो 13 से 14 बच्चे हर महीने लापता होते हैं। हालांकि इसमें से कुछ जो है मिल भी जाते हैं, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो मिल नहीं पाते हैं। यानी कि जिस उम्मीद तक पहुंचना चाहिए गुड़गांव पुलिस को, वहां तक नहीं पहुंची है। हालांकि एक ऑपरेशन मुस्कान करके एक प्रोग्राम भी चलाया गुड़गांव पुलिस ने, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उसमें रिकवर किए गए। लेकिन नीरज, हमने देखा है जिस आपने ऑपरेशन की बात की उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से कई बार काम चलाई हुई, कई बार ऐसे बच्चों को ही ऑपरेशन मुस्कान के तहत घर छोड़ दिया गया जो कि घर में जाना ही नहीं चाहते थे या फिर वो उनके अपने बच्चे थे। बहुत सारे सवाल, लेकिन इस मामले को अगर हम देखें नीरज, अब पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि 7वें दिन तो FIR लिखी गई, कार्रवाई के नाम पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है और क्या अब उनकी पुकार, उस गरीब पिता की पुकार को पुलिस सुन पा रही है या फिर अभी भी आंख मूंदे बैठी है। देखिए, सबसे गंभीर सवाल यही है क्योंकि नाबालिग बच्चों के मामले में गुड़गांव पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी होती है, लेकिन इस मामले में अगर 7 दिन के बाद जो है FIR दर्ज की गई है तो जरूर ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी जो है पुलिस कमिश्नर या अधिकारियों को करने चाहिए। क्योंकि न सिर्फ FIR दर्ज करने में जो है इतना वक्त लगाया गया, बल्कि जो लड़की थी उसको ढूंढने में भी 7 दिन का जो वक्त था वो वेस्ट किया गया। कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस के ऐसे अधिकारियों की लापरवाही इसके अंदर साफ तौर पर। अच्छा नीरज, हमने पुलिस की लापरवाही की बात करी और वो लापरवाह रवैया देखने को भी मिला, लेकिन अगर हम परिवार वालों की बात करें, क्या पिता ने ऐसा कुछ आशंका जाहिर की है, किसी पर शक है, या कैसे ये बच्ची जो है लापता हो गई? पिता ने कुछ भी ऐसा अंदेशा जताया जिसकी मदद से पुलिस को कोई क्ल्यू, कोई सबूत मिल पाए? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस को इनके फादर जो है, लड़की के जो पिता है, इन्होंने किस तरह के बयान वहां पे दर्ज कराए हैं, बयान भी दर्ज कराए हैं, या पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज कर अपनी इंक्वायरी के लिए काम की, क्योंकि ये नहीं चाहती कि गुड़गांव पुलिस ऐसे लोगों के जो है बच्चे जो है वो ढूंढे जाए। ऐसी पुलिसिया कार्यशैली के चलते ही जो ऐसे गिरोह हैं जो ऐसे बच्चों का अपहरण करते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हो रहे हैं लगातार भारत से, वो अभी तक नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे पुलिसकर्मियों की कार्यशैली के कारण ही जो है ऐसे बच्चे लापता होते हैं और वो कभी नहीं मिल पाते। बिल्कुल, और उसके बाद तमाम सवाल भी उठते हैं। लेकिन नीरज, जिसे आपने भी आंकड़ा बताया कि किस तरह से ये जो बच्चे हैं कहां पर जाते हैं, क्या है ये पूरा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस तत्परता से काम नहीं करती और यही वजह है कि हर दिन पता नहीं कितने ही मासूम बच्चे ऐसे गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, गुड़गांव जो है अभी ऑपरेशन मुस्कान के दौरान ही एक लड़की को बरामद दिल्ली से किया गया था, लेकिन दिल्ली में जिस जगह को लड़की ने बताया था किसी ने जहमत तक नहीं उठाई। हाँ। ना तो गुड़गांव पुलिस के अधिकारी ने ना फिर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मदद की, यानी वो जो गिरोह था वो कहीं ना कहीं। आपका फिलहाल शुक्रिया, बीच में आपको मुझे रोकना पड़ा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जो लड़की लापता हुई है, जो छात्रा, उसके पिता जुड़े हैं, अब्दुल मन्नान है। अब्दुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैम। अब्दुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी,
कुछ अभी तक पता चला आपकी बिटिया का, अब क्या कह रही है पुलिस? बिटिया का कुछ पता ना चला, पुलिस तो हड़का के भगा देती है थाना में से, सेक्टर 5 में। अब्दुल जी क्या कहती है पुलिस आपको जब आप? पुलिस कहती है तू पागल की तरह यहाँ क्यों आ जाता है, तेरे बेटे का हम ठेका ले रखा हूँ, तू बिहार से सब मलामत लेके यहीं आ गया सर, तू यहीं घर द्वार बना लिया बस गया, मैं कहाँ जा, क्या करता हूँ, गलती क्या करता हूँ मैं, अपना बच्चे का खर्चा भरता हम देता हूँ जाता हूँ तो पुलिस सुनता ही नहीं है, कहता है भग जा यहाँ से। अब्दुल जी आपकी बात सुनकर वाकई में बहुत ज्यादा क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर पुलिस वाले आपको इस तरीके से भगाते हैं, आपको ये बोलते हैं कि आपकी बेटी का हमने ठेका नहीं ले रखा, बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उन पुलिस वालों को भी जोड़े और उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं जनाब। अब्दुल जी आपसे सबको जानना चाहती हूँ, कब आपकी बेटी लापता हुई थी, कैसे वो लापता हुई थी और पुलिस के पास आप कब गए थे? हमारा बेटी लापता हुई 8 तारीख को 5:30 बजे, वो अपना सहेली को घर से घर न आई और उसको वहां से मैं 9 तारीख से थाना में जा रहा हूँ, 9 तारीख से जाके 14 तारीख को FIR दर्ज किए, यानी कि पूरे एक हफ्ते बाद आपके FIR दर्ज हुई है। हफ्ता बाद वो FIR दर्ज किए और FIR दर्ज में जब जाऊँ जब वो लगाया है चेकिंग में, वो लगा हुआ है चेकिंग में, पता ना चेकिंग साल भर लगेगा, 6 महीना लगेगा, बच्ची से मुलाकात दोबारा होगी कि नहीं होगी, बात मैं क्या बता सकता। ठीक, आपने कहा कि एक हफ्ते बाद तो FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी बहुत दिन हो चुके हैं अब्दुल जी, अब पुलिस क्या कह रही है? अच्छा कोई सबूत उनके हाथ लगा है, कोई क्लू, या वो कुछ कह रही है कि हमारी कोशिश जा रही है, पुलिस ने कोई टीम बनाई है ऐसी, आपको कुछ तो बताया होगा? 2 बार हमारे लड़की को फोन आई मेरे पास, वो नंबर भी ले जाके उनको दे दिए, वो नंबर मेरे नंबर से तो उठाता नहीं है, किसी के नंबर से उठा लेता है, कभी स्विच बंद कर लेता है, नंबर भी दे दिया। ये बात फिर से मुझे बताइए, बहुत अहम बात आपने इस वक्त बोली है, आपकी बेटी का फोन आया तो क्या कहा, किसने ये फोन किया, बेटी ने क्या कहा, बेटी से बात हुई आपकी इस बीच? बेटी ने कहा कि भैया मैं दूसरे, हम अपने भाई से छोटा भाई से किया, कहा कि भैया मैं बहुत फंस गया हूँ, मेरे को बहुत मारता है सर, किसी को फोन से मैं कर लेता हूँ ये कवल, बहुत मारता है सर, घर में रात दिन बंद करके रखा है सर, बहुत मेरे को मार पीट के लाया है सर। यानी कि अब्दुल जी आपकी बच्ची कहीं फंसी हुई है, उसने फोन करके भी ये बता दिया है और उसके बावजूद भी पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही, कुछ ना दे रही है, मैं जाता हूं तो मेरे पे दो गाली कुत्ता बक्से भगा देता है। 2 बार आपकी बेटी ने आपको फोन किया, आप ही से बात हुई थी या आपके बेटे से बात हुई? मेरे को भाई से, छोटा भाई से बात हुआ मेरे, भाई मेरे को वहाँ से नंबर दिया, नंबर के 3 बार वो लोग चेकिंग में लगाए, लाइन में चेकिंग आ गई, उसको कोई कार्रवाई कुछ नहीं। अब्दुल जी कुछ बताया आपकी बेटी ने कि वो कहाँ मौजूद है, कोई ऐसी जगह क्या उसको मालूम है? कोई जगह ना बताई, मैं वो उसे बताया कि मैं बहुत फंस गया हूँ बुरी तरीके से। अब्दुल जी आप जुड़े रहिए, हवा सिंह जी ACP हमारे साथ जुड़े हैं, हवा सिंह जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, कम आ रही आवाज आपकी? ठीक है हवा सिंह जी, मैं और तेज बोलूंगी, आवाज आपको जरूर आ जाएगी। हवा सिंह जी, जो 10वीं की छात्रा लापता हुई है सेक्टर 5 से, क्या कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरे केस में? ये मैडम केस रजिस्टर कर लिया गया है। और कब किया था आपने, FIR दर्ज कब हुई थी ACP साहब? ये 12 तारीख को FIR दर्ज हुई है, जिस दिन एप्लीकेशन दी है। पिता कह रहे हैं 14 तारीख को हुई है एप्लीकेशन, जिस दिन दी है ना जी इन्होंने, उसी दिन FIR दर्ज है। मैंने कल ये आए भी थे शायद, तो मैं सारा उनका वेयरबाउट लिया था कि क्या इस मुकदमे में चल रहा है। आईओ ने बताया कि हम जो है यहाँ इधर यूपी में जहाँ जहाँ इन्होंने बताया, और जहाँ जहाँ इनकी कोई मोबाइल की लोकेशन या वैसे जानकारी, लोकेशन जहाँ जहाँ आ रही थी वहाँ रेड भी की है और इनको साथ लेकर की है, और अब भी प्रयास जारी है। ठीक है, प्रयास कोशिशें आपकी जारी है, लेकिन आप मुझे सीधा सा एक जवाब दीजिए, बच्ची 8 मई को गायब हुई, 14 तारीख को FIR दर्ज हुई, इन 7 दिनों के दौरान पुलिस ने क्या किया, FIR क्यों नहीं दर्ज की, सबसे पहले आप मुझे उसी का जवाब दे दीजिए। अभी इन्होंने जिस दिन एप्लीकेशन दी है उसी दिन FIR दर्ज है, अगर ये कहते हैं कि भाई ये डिले है
और डिले इन्होंने कहीं से भी की है तो हमें बताए, आगे हम कार्रवाई करेंगे उसकी। 9 तारीख को पिता थाने में गए थे, उनको भगा दिया गया। पिता जुड़े हैं आप, ऐसे बात ना कीजिए कि मालूम ना हो, पिता ने हमें खुद बताया वो जुड़े हुए हैं। ऐसे है नहीं मैडम, अगर कोई भी, क्योंकि सीपी साहब, डीसीपी, एसीपी, उनके सभी के को जाने का ऑप्शन वही नजदीक नजदीक है सभी। अगर कोई पुलिस स्टेशन लेवल पर काम नहीं करता है या डिले करता है तो तुरंत उसके पास जाए, तुरंत कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, उस खिलाफ उस ऑफिसर के। ठीक है, कार्रवाई होती है ना, पूछ लेते हैं अब्दुल जी से हम कितनी कार्रवाई अब तक हुई है। अब्दुल जी आपने सुनी पूरी बात, एसीपी साहब ने जो जो कहा पूरी बात सुनी? मैं बताइए, जाता हूँ तो कहता है तो साला पागल आ गया यहाँ। ये कैसी तमीज है, कैसी तहजीब है वासिंह जी? आप आम लोगों की मदद के लिए या उनको फटकार और दुत्कार लगाने के लिए हैं? कम से कम जिसकी बेटी खोई हो उसके साथ सांत्वना तो रखिए, आपके व्यवहार को तो सही रखिए। किसी को लेके आता है, किसी बिल्कुल को लेके अगर, आता है, अगर तो ऐसा है ना जी, तो अगर ये हमें ऐसा बताते हैं आकर कि ऐसे ऐसे उसने किया है, कोई ऐसी बात है तो बताएं, हमें तो नहीं बताया। हवा सिंह जी, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी। आप जितनी तहजीब से इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, अगर इतनी ही तहजीब से एक पिता से बात कर लेते तो शायद इतनी नौबत ना आती। अगर आप कोशिश ही कर रहे होते तो आज ये पिता ऐसे ना रो रहा होता हमारे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, यहाँ कोई भी किसी के साथ मिसबिहेव अगर कोई करता है तो पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और ये सिटी ऐसी सिटी है कि यहाँ हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ तो सबसे पहले तो व्यवहारिक बातें सिखाई जाती है, व्यवहार कैसे करना है। यही हवा सिंह जी समझने की जरूरत है, जो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है वो तो कम से कम आपको समझना होगा। ठीक है, व्यवहार छोड़ दीजिए, वो भी आपने कहा कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, लेकिन अब आप मुझे बताइए अब कार्रवाई कितनी आगे पहुंची। और ये भी पिता ने कहा है कि 2 बार बच्ची का फोन आया है, वो बड़ी मुश्किल में है क्योंकि वो बता रही है कि मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझे कहीं कैद कर रखा है। आप किससे जोड़कर देख रहे हैं, प्राइमा फेसेस में क्या केस नजर आ रहा है आपको? ये जहाँ इनको साथ लेके गए हैं, जहाँ भी जो भी इतला इनके पास टेलीफोन जो भी आया है, उस टेलीफोन की लोकेशन निकाल के वहाँ गए भी हैं, इनको साथ लेके गए हैं। वहाँ कुछ नहीं मिला? फिर वहाँ कोई मिला नहीं, आगे वहाँ जो टेलीफोन था उसकी लोकेशन बाद में बंद आई और कोई आगे सुराग लगा नहीं। आगे बरेली साइड में भी कोई लोकेशन आ रही थी, कल भी इनको कहा था कि अगर आप जाना चाहें आपकी तसल्ली के लिए तो पुलिस के साथ जा सकते हैं। हवा सिंह जी, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको केस किससे जुड़ा हुआ लग रहा है? क्योंकि अगर कोई अपहरण का केस होता तो फिरौती की डिमांड की जाती, क्योंकि ऐसे केसेस अक्सर देखे जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ जाते हैं, आप ये भी सोचिए। मैडम, बच्ची नाबालिग है, 10वीं में पढ़ रही है, इसलिए मैं, हमारी बेटी है वो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो है ना, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं उसको ढूंढने के, और जो भी कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है अपराधी उसको जल्दी ढूंढ निकालेंगे। हवा सिंह जी, आपने बहुत अहम बात कही कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पिता है, मजबूर है, उनकी आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं और दुख दर्द उनका नहीं, हमारा अपना है। यही तो हम सोचते हैं कि आप जिस तहजीब से, जैसे आप अभी मुझसे इस वक्त बात कर रहे हैं, जो आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं ना, अगर आप यही सांत्वना, यही आश्वासन इस पिता को देते, उस पिता को देते तो वो इतना परेशान नहीं होता। अच्छा अब्दुल जी, आप बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, अब आप खुलकर अपनी बात बोलिए, कहाँ आपको परेशानी आ रही है, बताइए अब्दुल जी। मैडम, ये इनके पिता आपके सामने बैठे होंगे, मेरे पास जब भी आए हैं इनसे पूछे, उसी तहजीब से इनसे बात की है, पूरी तरह बात की है, पूरी तरह सुना है। ठीक, हवा सिंह और SHO को कहा है, कंसर्निंग ऑफिसर जो भी है उन सभी को बात की है। अब्दुल जी को कहने दीजिए, अब जरा अब्दुल जी कहिए जो बात है, आप खुलकर बताइए हमें, क्या आप गए थे पुलिस के साथ, क्या अभी तक हाथ लगा है और कितनी पुलिस आपके साथ खड़ी नजर आ रही है? एकदम ईमानदारी के सवाल बता रहा हूँ, फोन के डिटेल 3 बार निकाले, हमारे साथ बरेली गए, माने जहाँ फोन के डिटेल निकली हो वहाँ ना पहुँचे, पीछे 100 किलोमीटर से घुमा फिरा के चले आए। और जहाँ फोन के असली डिटेल निकले वो बोले कि 100 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, आज ना पहुँचेंगे कल सुबह पहुँचेंगे, ये वो वहाँ से हमको घुमा के लेके चले आए। लोग बरेली गए, वो डिटेल यहाँ से निकली, वो डिटेल हमको दिखने ना दिए थे, डिटेल कहाँ के एड्रेस पर है, कहाँ के एड्रेस पर नहीं है, जब दिल्ली के लगभग आ गए तब बोलते हैं ये डिटेल तो वहाँ से 100 किलोमीटर आगे की है। हाँ, अब 100 किलोमीटर आगे हम बगैर देखे ताकत के कैसे 100 किलोमीटर बरेली से और आगे जा सकते,
हम बोले कि साहब जब ये हाल थी तो आपको बरेली में बताना चाहिए, जब मना ये लोकेशन 100 किलोमीटर अच्छा, आगे ठीक, ठीक आपकी बात और आगे तक पहुंचाना चाहेंगे हम। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। सुनीता जी नमस्कार, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी नमस्कार। सुनीता जी, दसवीं की छात्रा लापता हो जाती है, लेकिन आप रवैया पुलिस वालों का भी देखिए, एक हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज होती है, पिता को क्या कुछ कहा जाता है थाने में बुलाकर, वो अगर आप सुनेंगी तो आप भी शर्मसार, क्या आप भी सोचेंगे कि किस तरह की पुलिस है, किस तरह का प्रशासन है, क्यों कार्रवाई तत्परता से नहीं होती? और अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस वाले तो अब हमें कह रहे हैं कि कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत कुछ इस केस में हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो है मैं सारी बात सुन रही थी इनकी। एक सेकंड के लिए होल्ड। सुनीता जी, बहुत गंभीर मसले पर हम चर्चा करें, माफी चाहूंगी मैं आपसे। सारी बात सुनी मैंने। हाँ। जो है इनके पिताजी की बात भी सुनी और मैंने जो एसीपी साहब है उनकी बात भी सुनी है। तो ये बिल्कुल गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका बच्चा जो है वो लापता होता है तो ये वो माँ बाप ही उस चीज का दर्द जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जी, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, आप आश्वासन भरोसा या क्या देती हैं आप, वो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि देखिए हम इस मामले पर संज्ञान लेंगे और आगे क्या होगा, बस आप मुझे इतना संतुष्टि भरा जवाब दे दीजिए। इसमें यही है कि इनके सीनियर ऑफिसर से मैं बात करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ की पुलिस है उनके साथ हम तालमेल बिठा के उनको कहें कि वो लोग वहाँ से जो है अपनी कोशिश भी करें और वहाँ से ट्रेस करने की कोशिश करें। ये एक और स्टेप इसमें जो है वो हो सकता है जिससे हमें उम्मीद है कि वो बच्ची मिल सके। बिल्कुल सुनीता जी, बहुत शुक्रिया। हवा सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आखिरी कमेंट क्या है आपका, क्या आप संतुष्ट कर पाएंगे इस पिता को और आगे कार्रवाई किस तरीके की होगी, क्योंकि हम मामले पर नजर बनाए रखेंगे लगातार। चलिए, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब्दुल जी आप जुड़े हुए हैं? ठीक है, मैं जुड़ा हूँ। अब्दुल जी फटाफट से आप बताइए, क्या जो अभी आपको आश्वासन मिला आप संतुष्ट हैं? मैम संतुष्ट क्या है, मेरे बच्ची सामने ना आएगी जब तक मैं रोटी पानी आ जाए, 20 दिन हो गया रोटी खाए, चला ना जा रहा है, मैं बताऊं क्या, मैं क्या बताते हैं। अब्दुल जी हमारी सांत्वना आपके साथ है, आप इस वक्त भी रो रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। दिल पसीज जाता है जब इस तरह की चीजें हम भी आपके सामने लेकर आते हैं, हमारा भी दिल पसीज जाता है। अगर वाकई में माता पिता की आंखों के आगे से बच्चा कुछ ही चंद मिनटों के लिए गायब हो जाए तो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी, ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से आश्वासन और भरोसा मिला है इस पिता को वो टूटे नहीं और जल्द से जल्द इनकी बेटियां इनको मिल जाए, ताकि और बेटियां किसी अनजान हाथ में ना चली जाए। फिलहाल स्पेशल 8:11 में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।